गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम सीज़र डिसऑर्डर के अगले पार्ट में न्योनेटल सीज़र्स के बारे में बात करेंगे। न्योनेटल सीज़र्स कुछ मामलों में बाकी सीज़र जैसे बच्चों और बड़ों में जो सीज़र्स आते हैं उससे कुछ मामलों में अलग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि न्यूबॉर्न में माइलिनेशन नहीं हुआ रहता इसलिए हम हार्डली एनी जनरलाइज सीज़र मिलते हैं हमें, और जो जैक्सोनियन मार्च हम अडल्ट में या पीडियाट्रिक पेशेंट में देखते हैं जिसमें शुरुआत फोकल से होके प्रोग्रेसिवली एक एक पार्ट इन्वॉल्व होके जनरलाइज सीजर जाते हैं, उस तरीके के सीजर्स हमको न्यूबॉर्न में नहीं मिलते। दूसरा, न्यूबॉर्न का जो ब्रेन है वो डेवलप हो रहा होता है और जिसके कारण से अगर इनमें सीजर आते हैं तो उनको डेवलपमेंटल डिले के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तीसरा, इनके जो कॉजेज़ है कॉजेज़ भी थोड़े से अलग होते हैं एज़ कम्पेयर टू पीडियाट्रिक एंड अडल्ट पेशेंट। चौथा, इनमें बहुत बार जो सीज़र्स है वो क्लिनिकली एविडेंट नहीं होते। बहुत बार जो पीडियाट्रिक के पीडियाट्रिशियंस हैं उनके लिए भी इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। जो न्यूबॉर्न है वो ज़्यादा प्रोन होते हैं कन्वर्जेंस के लिए एज़ कम्पेयर टू अडल्ट एंड पीडियाट्रिक पेशेंट्स। डेफिनेशन, जैसे कि हम जानते हैं, सीज़र या कन्वर्जेंस का मतलब है पैरोक्सिस्मल इवेंट, मतलब अचानक से आया हुआ इवेंट जिसमें हम देखेंगे कि बच्चे के बिहेवियर में, उसकी मोटर एक्टिविटी में या ऑटोनॉमिक सिस्टम में जो चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, उसको हम सीजर्स कहते हैं। अब इसके कॉजेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे अलग है, और हम देखेंगे कि मोस्ट कॉमन कॉज जो न्यूनेटल सीजर्स का है उसमें हम देखेंगे कि जो बर्थ एस्पेक्सिया है या पेरिनेटल एस्पेक्सिया जिसे हम बोलते हैं कि बच्चा डिलीवर हुआ, रोया नहीं, सांस नहीं लिया जिसके कारण से ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिला, तो ये कंडीशन सबसे मेन कारण है न्योनेटल सीजर्स के लिए। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल ब्लीड्स जो प्रीमैच्योर बेबीज़ में काफ़ी कॉमन है, इसके अलावा जो थ्रोम्बोएम्बोटिक इवेंट जो न्यूबॉर्न बेबीज़ में या न्योनेटल स्ट्रोक्स जो हम बोलते हैं वो है, ये सबसे कॉमन कॉजेस में आता है। उसके बाद जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, लाइक हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, हाइपोकैलेमिया हो गया, या ये डिसऑर्डर्स काफ़ी कॉमन हमको देखने के मिलते हैं। इसके अलावा इनबॉर्डर ऑफ मेटाबॉलिज्म के कारण बच्चों को सीजर्स आ सकते हैं। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस होते हैं ब्रेन के, ब्रेन का कोई हिस्सा बना ही नहीं, पैचिंग एरिया है, ये कंडीशन में भी बच्चों को कन्वर्जेंस आते हैं। इसके अलावा कुछ रेयर जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं जो न्यूबॉर्न में सीजर का कारण बनते हैं। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस है जिसमें हम देखेंगे कि मेनिनजाइटिस जो कि मदर से बेबी में आने वाले इन्फेक्शंस है उसमें भी कभी कभी बच्चों को सीजर्स आ सकते हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी जो न्यूबॉर्न सीजर की है उसको समझते हैं। जैसा कि हमने समझा था कि न्यूबॉर्न ब्रेन ज़्यादा प्रोन होता है सीजर्स डेवलप करने के लिए एज़ कम्पेयर टू पीडियाट्रिक और अडल्ट ब्रेन। क्यों? क्योंकि क्लोराइड चैनल्स होते हैं, गाबा सेंसिटिव क्लोराइड चैनल्स जो होते हैं, उसके दो टाइप्स होते हैं। एक जो क्लोराइड को न्यूरॉन के अंदर से बाहर भेजते हैं और दूसरा जो बाहर के क्लोराइड को न्यूरॉन के अंदर भेजते हैं। अब न्यूबॉर्न में जब भी गाबा स्टिमुलेट होता है जो अंदर के क्लोराइड्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, जिसके कारण से जो निगेटिव पोटेंशियल निगेटिव चैनल्स न्यूरॉन के अंदर है वो बाहर चले जाते, थोड़ा कम निगेटिव हो जाता। फॉर एग्जांपल -60 होगा तो -50 पे चला जाता, जिसके कारण से जो न्यूरोनल सेल्स हैं वो ज़्यादा एक्साइटेटरी हो जाते हैं। इसके कारण से कम थ्रेशोल्ड में भी जरा से भी कुछ ऊपर नीचे इलेक्ट्रोलाइट्स या कोई चीज़ हो जाए तो बच्चे को सीजर थ्रो हो सकते हैं न्यूबॉर्न में। अब इसके अलावा जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनका परसेंटेज ज़्यादा रहता है, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उनका परसेंटेज भी कम रहता है, और वो इमैच्योर भी रहते हैं। इसके अलावा जो सोडियम चैनल है जो सेल के अंदर सोडियम लाते हैं जिसके कारण से फायर होती है कन्वर्जेंस, वो भी बच्चों में ज़्यादा होता है। और जैसा हमने समझा था कि न्यूबॉर्न ब्रेन ज़्यादा प्रोन है डैमेज को, उस क्योंकि जैसे ही बच्चे को कन्वर्जेंस आते हैं उसको ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ा सा कम हो जाता है जिसके कारण से बच्चा हाइपोक्सिक हो जाता है। हाइपोक्सिया होने के कारण ब्रेन डैमेज भी होता है और ज़्यादा कन्वर्जेंस आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा बच्चा जो ब्रीदिंग कम करता है जिसके कारण से CO2 का लेवल बढ़ जाता है वो ब्रेन को डैमेज कर सकता है। साथ ही साथ इसके कारण से बहुत बार लैक्टेट लेवल बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, क्योंकि ATP डिप्लीट हो जाता है जब भी बच्चा कन्वर्जेंस थ्रो करता है या ब्रेन बहुत बार एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने के कारण जो ATPs यूटिलाइज हो जाते हैं उसके कारण से भी बच्चे में लैक्टेट डेवलप हो जाता है जो बच्चे को ब्रेन इंजरी की तरफ लेके जाता है। इसके अलावा जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होते हैं वो भी ब्रेन को डैमेज करने का काम करते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके से न्यूबॉर्न ब्रेन
डैमेज होता है बिकॉज ऑफ द नियोनेटल सीजर्स। अब इसके टाइप्स क्या है? अब नियोनेटल सीजर्स का हमने जैसा समझा था कि जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक टाइप के सीजर्स न्यूबॉर्न में नहीं आते। जो मोस्ट कॉमन कॉज, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नियोनेटल सीजर है, उसको सटल सीजर बोलते हैं। सटल सीजर मतलब क्या है? सटल सीजर मतलब जो सटल साइंस रहते हैं उसमें, एकदम ऐसा ग्रॉसली कोई भी देख के नहीं बता सकता इसको सीजर है। बच्चा बस एक तरफ देखता रहेगा कॉन्स्टेंटली, ये न्यूबॉर्न में एबनॉर्मल थिंग है। न्यूबॉर्न अगर जस्ट स्ट्रेट देख भी रहा है तो भी वो एबनॉर्मल है, उसमें आपने सीजर सस्पेक्ट करने चाहिए। इसके अलावा जस्ट बच्चे का हार्ट रेट बहुत तेज़ हो जाता है, या फिर स्किन के ऊपर मॉटलिंग आ जाती है, या फिर बच्चा सकिंग मूवमेंट करता है ऐसा, या फिर उसमें उसका चीविंग मूवमेंट्स आ जाता है, तो इस तरीके के जो मूवमेंट्स है ये सटल सीजर्स में आते हैं। इसके अलावा बच्चा हाथ से इस तरीके से कर सकता है, या फिर साइकिलिंग मूवमेंट पैरों की कर सकता है, तो ये एबनॉर्मल मूवमेंट्स है न्यूबॉर्न में। न्यूबॉर्न में ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। इसके अलावा मॉटलिंग आना, हार्ट रेट बढ़ना, ये इंडिकेट करता है कि हाँ इसको सीजर्स हो सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आपने सीजर सस्पेक्ट करना चाहिए। बहुत बार इसमें ईईजी भी नॉर्मल रहता है, तो इसके कारण से इसको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है। और बहुत बार जब बच्चा प्रोन होता है, फॉर एग्जांपल हाइपोक्सिया का बच्चा है, हाइपोकैल्सिमिया के, या किसी शुगर लो थी उस टाइम पे, या मेनिनजाइटिस है, तो ऐसे कंडीशन में आपने ये चीज़ सस्पेक्ट करनी चाहिए कि हाँ इसको सटल सीजर्स हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बार बहुत से पीडियाट्रिशियन भी इसको मिस कर देते हैं। इसके अलावा मोटर टाइप के सीजर्स हो सकते हैं, जिसमें हमने समझा था कि क्लोनिक, जिसमें बच्चे का एक ही हाथ देखा, इसमें जनरलाइज टोनिक क्लोनिक नहीं होता, इसको फोकल टोनिक या क्लोनिक हो सकता है। क्लोनिक में हम देखेंगे कि एक फास्ट कंपोनेंट एकदम से आगे जाता है, फिर स्लोली रिलैक्स होता है, तो इसको हम देखेंगे तो ये फोकल सीजर्स बच्चे को आते हैं। अब फोकल क्लोनिक सीजर, इसके दो इम्पॉर्टेंट कारण है, एक है हाइपोकैल्सिमिया और दूसरा है सबड्यूरल हिमरेज। ये बच्चों में कॉमन है और इसका प्रोग्नोसिस भी अच्छा है। इसके अलावा आता है फिर टोनिक सीजर्स। टोनिक सीजर्स में बच्चा एकदम से ऐसे हाथ कर लेता है, लेकिन बहुत से क्लासिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो इसको उन्होंने कन्वर्जन में कंसिडर ही नहीं किया। उन्होंने ऐसा बोला है कि ये रेज आईसीटी का साइन है, और बहुत बार इसमें आपका ईईजी नॉर्मल रह सकता है, और ये इसी कारण से इसको हम रेज आईसीटी के जैसे भी ट्रीट करते। बहुत बार ये ऐसे इस तरीके से हाथ करके बच्चा करेगा, या फिर इस तरीके से हाथ करके करेगा, जिसको हम डीकॉर्टिकेट या डीसेरिब्रेट पोस्चर टाइप के भी वो कर सकते हैं, लेकिन ये इसका प्रोग्नोसिस थोड़ा ख़राब रहता है। ये इंडिकेट करता है कि ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया। इसके अलावा मायोक्लोनिक सीजर्स हो सकते हैं, बच्चा ऐसे इस तरीके से कर सकता है कोई पार्ट ऑफ ये। और ये मोस्टली जो मायोक्लोनिक सीजर्स होते हैं, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, और इनका प्रोग्नोसिस भी थोड़ा सा गार्डेड होता है। अब मायोक्लोनिक और क्लोनिक में क्या फ़र्क है? क्लोनिक में हमने देखा कि फास्ट कंपोनेंट और स्लो कंपोनेंट रहते हैं। क्लोनिक जो मायोक्लोनिक है उसमें सिर्फ जस्ट थोड़ा सा एक ग्रुप ऑफ मसल्स में मूवमेंट होते हैं। अब जो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक हम बोलते हैं, या जनरलाइज क्लोनिक जो बोलते हैं, वैसा इनमें नहीं रहता, इनमें जनरलाइज नहीं रहता, लेकिन कभी ये एक हाथ होगा, फिर कभी जाके लेफ्ट पैर में आ जाएंगे, तो इसको हम मल्टीफोकल बोलते हैं। मतलब यहाँ पे भी आया, इधर में भी आया, लेकिन उसमें कोई सीक्वेंस आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि माइलिनेशन नहीं हुआ है। माइलिनेशन में अगर कोई एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेट हुआ तो वो उस एरिया के बाजू के एरिया में, उसके बाजू के एरिया में वो नर्व्स के थ्रू वो जा सकता है बिकॉज ऑफ द माइलिनेशन। अब क्योंकि माइलिनेशन नहीं हुआ है, इसलिए बहुत बार हम देखेंगे कि मल्टीफोकल मिलता है, इसमें जनरलाइज नहीं मिलता। इसके अलावा एक और टाइप जो नियोनेटल सीजर्स का होता है वो है जिसमें बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और आप अगर उसका ईईजी करोगे तो ईईजी में आपको कन्वर्जेंस मिलेंगे। इसको सिर्फ हम बोले कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफिक सिर्फ सीजर्स है, उसमें बच्चे को क्लिनिकली कुछ भी सीजर्स नहीं। ये बहुत कॉमन है, हम सस्पेक्ट ही नहीं करते कि बच्चे को सीजर्स हो सकते। लेकिन अगर कोई बच्चा प्रोन है, फॉर एग्जांपल कोई बर्थ एस्फिक्सिया का बच्चा है, तो उसमें आपने ईईजी करवाना चाहिए। और कई स्टडीज़ में इसका परसेंटेज 50% तक के बोला गया, मतलब 50% तक के सीजर्स हम पिकअप ही नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसको ईईजी नहीं करेंगे। एक और टाइप से हम अगर समझेंगे कि जो सटल सीजर्स का एक कंपोनेंट है, उसमें होता है एपनिया। बच्चा एकदम से सांस रोक लेता है। अब ये एपनिया ऑफ प्रीमैच्योरिटी भी रह सकता है, ये एपनिया बिकॉज ऑफ सटल सीजर्स भी रह सकता है। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए जैसे हम देखेंगे कि अगर हार्ट रेट ज़्यादा है तो ये फेवर करेगा सीजर्स को, लेकिन अगर हार्ट रेट कम हो रहा है, ब्रैडी में जा रहा है बच्चा,
तो फिर ये कारण हो सकता है प्रीमैच्योरिटी का। और जैसा प्रीमैच्योरिटी का कारण है तो प्रीमैच्योर बच्चों में होगा, और जो नियोनेटल सीजर्स के कारण जो एपनी आता है वो मोस्टली टर्म बेबी में आता है। अभी कुछ सीजर मिमिक होते हैं, मतलब जो सीजर्स तो नहीं है लेकिन सीजर्स के जैसे दिखते हैं। एक तो हमने एपनिया कंसिडर किया था कि एपनिया ऑफ प्रीमैच्योरिटी और एपनिया बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। इसके अलावा हम देखेंगे कि बहुत से बच्चों में जिटरीनेस होता है। जिटरीनेस इसको हमने पिछले इसमें भी समझा था। जिटरीनेस मतलब ट्रिमर लाइक सिंड्रोम, ट्रिमर लाइक मूवमेंट होते हैं, हाथ के हो सकते हैं, पैर के हो सकते हैं। ये पहले 24 घंटे में कॉमन है, ये नॉर्मली भी आ सकते हैं। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपोकैल्सीमिया है, बर्थ एस्फिक्सिया, इसमें आपको इस तरीके के जिटरीनेस मिल सकते हैं। अब जिटरीनेस बहुत बार सीजर्स के साथ कंफ्यूज होते हैं। तो उसको अगर हम देखेंगे तो जिटरीनेस का मूवमेंट आप देखोगे तो इस तरीके से वो फास्ट रिदमिक रहते, उसमें फास्ट और स्लो कंपोनेंट नहीं रहता। जैसे कन्वर्जेंस फास्ट और स्लो कंपोनेंट रहता, वैसा उसमें नहीं रहता, उसमें जस्ट इस तरीके से जिटरीनेस मतलब ट्रिमर लाइक ये रहते हैं। उसको आप पकड़ लोगे तो जिटरीनेस बंद हो जाएगा। कन्वर्जेंस फिर भी आप पकड़ने के बावजूद भी थोड़ा थोड़ा आप महसूस कर सकते कि फिर भी उसको मूवमेंट हो रही है। दूसरा, जिटरीनेस जैसे ही आप बच्चे को टच करोगे वो एकदम से जिटरीनेस हो जाएगा उसको, मतलब ये स्टिमुलस रिस्पॉन्सिव है। जैसे ही बच्चे को स्टिमुलस मिलता है उसको जिटरीनेस शुरू हो जाता है। कन्वर्जेंस स्टिमुलस रिस्पॉन्सिव नहीं है, वो उसका स्टिमुलस दो आप नहीं दो उसको, जब आना है वो आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। साथ में जो आँखों की मूवमेंट है, जिटरीनेस में बच्चे का सेंसोरियम ठीक दिखता है, वो चेहरा उसको देखो आप तो सब ठीक दिखता है। लेकिन जो कन्वर्जेंस में जब आते हैं तो बच्चे का गेज फिक्स रहेगा, अपवर्ड रोलिंग रहेगा, या फिर एक लैटरली बच्चा देखता रहेगा, डेविएशन ऑफ आइज रहेंगी। तो आँखों के जो चेंजेस है वो आपके कन्वर्जेंस में रहेंगे, जिटरीनेस में नहीं रहेंगे। और जैसा हमने समझा था कि ऑटोनॉमिक चेंजेस जो हार्ट रेट में और बाकी सारी चीज़ों में है वो जिटरीनेस में रहेगा, कन्वर्जन में नहीं रहेगा। इसके अलावा जो सीजर मिमिक में हम देखेंगे कि एक स्लीप मायोक्लोनस करके एक चीज़ होती है, जो बच्चा नींद में एकदम से उसके मायोक्लोनिक जर्क जैसे ये आ जाएंगे, मतलब मायोक्लोनिक सीजर के जैसे मूवमेंट्स रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप बच्चों को उठाएंगे वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा, ये एकदम से उसको हम देखेंगे, इसका अच्छा प्रोग्नोसिस है, ये नॉर्मल चीज़ है। अब ये ऐसा अगर बच्चा सीजर के साथ में आपके पास आता है तो उसका डायग्नोसिस कैसा करना है, उसका हिस्ट्री कैसा लेना है। हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट जो बच्चे की बर्थ हिस्ट्री है, एंटीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल हिस्ट्री, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि मदर को कुछ तकलीफ थी क्या, क्योंकि बहुत बार जो नियोनेटल सीजर का कारण जो है वो माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तभी हो जाता है। माँ को कुछ कभी फीवर विथ रैश आया था क्या, जिसके कारण से हम बोलेंगे कि इंट्राउटराइन बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है क्या, या कभी कोई चोट लगी थी क्या, या फिर माँ को बहुत ज़्यादा जो प्लेसेंटल इंसफिशियंसी टाइप के फीचर्स थे क्या, या फिर कुछ प्लेसेंटल सेपरेशन के जैसी हिस्ट्री थी क्या, एंटीपार्टम हिमरेज था क्या, वो इस तरीके की हिस्ट्री हम मदर में पूछ सकते हैं। सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है कि बच्चा पैदा होते बराबर रोया था कि नहीं। तो ये हिस्ट्री इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बर्थ के टाइम पे जो सीजर्स बच्चा नहीं रोने के बाद जो आते हैं वो हाइपोक्सिक इश्मिक इंसेफेलोपैथी के कारण है, और ये सबसे कॉमन कॉज नियोनेटल सीजर्स का है। इसके अलावा हम पूछ सकते हैं कि बच्चा होने के बाद में वो फीडिंग कैसा लेता था, अगर फीडिंग कम ले रहा था और उसको एडमिट करना पड़ा था, आईवी फ्लूइड्स वगैरह देने पड़े थे, मतलब हो सकता है उसको शुगर कम हो गए हो। इसके अलावा मदर में अगर डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो बच्चे में हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, हम उसका कैल्शियम का लेवल चेक करेंगे तो पता चलेगा कि कैल्शियम का लेवल कम है। बच्चे की डिलीवरी हुई वो उसमें कुछ दिक्कत आए थे क्या, फोर्सेप लगे थे क्या, या फिर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी थी क्या, उसको कुछ मदर को कुछ मेडिसिन चल रहे थे क्या, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है और ये बहुत बार क्लू देती है कि हाँ ये बच्चे में प्रॉब्लम, डिलीवरी में प्रॉब्लम हुआ था। इसके अलावा पोस्टनेटल में हम देखेंगे कि बच्चे को कुछ इन्फेक्शन हुआ था क्या, मेनिनजाइटिस हुआ था क्या, या फिर बच्चे में बिलीरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा था क्या, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना पड़ा था क्या, ये भी चीज़ें हमको बताती है कि हाँ ये बच्चे में सीजर का कारण, यहाँ पे कोई क्लू हमको मिल सकता है। फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो बड़ा भाई है, बहन है, उनको कुछ तकलीफ थी क्या, उनको कभी सीजर्स आए थे क्या, या फिर फैमिली में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स है क्या, कोई किसी को सीजर्स पहले आ चुके हैं क्या, ये भी हिस्ट्री मैटर करती है। अब जब आईएम का पेशेंट हम देखते हैं, जब हम कन्वर्जेंस ऐसे सस्पेक्ट करते हैं कि ये बिकॉज ऑफ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, तो उसमें टिपिकल हिस्ट्री ये रहती है कि पैदा हुआ तब अच्छा था, माँ के पास दे दिया था, दो तीन दिन अच्छा रहा,
और फिर चौथे दिन से इसने फीडिंग थोड़ा सा कम कर दिया और फिर इसको कन्वर्जेंस आ गया। ये टिपिकल हिस्ट्री आपको मिलेगी इन मोर एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। और इसमें हम देखेंगे तो कॉन्जेंग्यूस मैरिज जो बोलते हैं कि रिश्तेदारी में शादी करना, मामा की बेटी है या फिर बुआ की बेटी में जो हम शादियाँ देखते हैं उसमें ऐसी चीज़ें होती है, क्योंकि जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्जेंग्यूटी। और इसमें भी बच्चे को फिर इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म आने के कारण उसमें सीजर्स आ जाते हैं। अब ऐसे पेशेंट का जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो उसका डिटेल में हेड टू टो एग्जामिनेशन करना है। हमको देखना है हेड सरकमफेरेंस कितना है, बहुत बार हाइड्रोसेफेलस के कारण भी सीजर्स आते हैं। हमको देखना है कि एंटीरियर फ्रंटानियल बल्जिंग तो नहीं है, कहीं इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा है या फिर हाइड्रोसेफेलस है या इंट्राक्रेनियल ब्लीड है, उसमें हमको जो AF है वो बल्जिंग मिलेगा। इसके अलावा आँखों में बहुत डीप इक्ट्रस तो नहीं है, एबनॉर्मल आई मूवमेंट तो नहीं है, या फिर कभी कभी स्किन पे आप देखोगे तो बहुत बड़ा हिमेंजोमा रहता है जिसे हम स्टर्ज वेबर सिंड्रोम बोलते हैं। तो ऐसे कुछ एबनॉर्मल चीज़ें हैं क्या, कोई बच्चे का फेस हमको ऐसा लगता है कि जो सिंड्रोमिक है क्या, तो ऐसे कोई क्लूज हमको क्लिनिकली मिल सकते हैं। बहुत बार जो ट्यूबरोस्क्लेरोसिस के एशलिफ जो लीजन्स होते हैं वो बॉडी पे होते हैं, लेकिन ये सीजर्स न्यूनेटल पीरियड में नहीं आते, ये हमको बाद में मिलते हैं। अब ये बच्चे को अगर कोई अपने पास सीजर में आता है तो उसके टेस्ट क्या क्या करवाने हैं, ये तो पता चल रहा है कि इसको सीजर्स है, तो सबसे पहले तो उसका जो ट्रीटेबल कॉज है और जो कॉमन कॉज है उसको हमको देखना है। सबसे पहले तो ग्लूकोज देख लो, ग्लूकोज स्ट्रिप से उसका शुगर कर लो। शुगर अगर उसका लो है तो तुरंत आपको बोलस देना है 2 ml पर kg से 10% डेक्सट्रोज। अब बहुत से सेटअप में ग्लूकोज स्ट्रिप्स भी अवेलेबल नहीं रहते, तो ऐसे कंडीशन में आपने कैनोला डाल के उसको 10% डेक्सट्रोज 2 ml पर kg से दे दिया तो भी वो एक फैक्टर रूल आउट हो जाए कि हाँ बाबा ये सीजर्स उसके कारण हो गए और ये हो गया। और जब आपके पास उसका जैसे आपने कैनूला डाला और सैंपल निकाल के लैब में भेज दिया और जब तक कि उसका रिपोर्ट आया आप उसको दे सकते हैं। लेकिन अभी हर न्यूनेट यूनिट जहाँ पे भी बच्चे आप केयर कर रहे हो वहाँ पे ग्लूकोमीटर होना मस्ट है और ये बहुत महंगा भी नहीं है। इसके अलावा आप उसका ब्लड के इलेक्ट्रोलाइट्स भेज सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है सोडियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चों में कन्वर्जेंस करते हैं। कैल्शियम बहुत बार लेवल जो आयोनिक कैल्शियम का वो इंपॉर्टेंट होता है टोटल कैल्शियम की बजाय, तो आयोनिक कैल्शियम अगर आपका कम है तो वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, उसका प्रोग्नोसिस अच्छा है, आप कैल्शियम दे दो बच्चा इंप्रूव हो जाएगा। बहुत बार कैल्शियम देने के बाद भी बच्चा इंप्रूव नहीं होता, आप लैब भेजो तो कॉन्स्टेंटली वो लो 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 कैल्शियम आते रहता है, तो उसमें आप मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं। तो कैल्शियम का डोज एक्चुअली 2 ml पर kg के हिसाब से रहता है, उसको आपको डाइल्यूट करना होता है। अगर सेंट्रल लाइन या अम्बिलिकल लाइन है तो उसमें उसको प्रिफर करना है, अम्बिलिकल लाइन आपकी लीवर में नहीं जानी चाहिए, वो आपकी सेंट्रल इसमें बराबर जानी चाहिए। पेरीफेरी से देते वक्त आपको ज़्यादा डाइल्यूशन करना है क्योंकि ये पेरीफेरी से अगर एक्स्ट्रा वर्सेस हो गया तो स्किन को डैमेज करता है। इसके अलावा जो मैग्नीशियम है उसका डोज 0.1 to 0.2 ml पर kg है, इसको आप IM दे सकते हैं। बहुत से यूनिट में इसको डाइल्यूट करके स्लोली ओवर 1 hr दिया जाता है, तो जो भी आपके यूनिट का प्रोटोकॉल है वो आपको फॉलो करना है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट कॉज है। इसके अलावा हम CSF कर सकते हैं बच्चों का, क्योंकि मेनिनजाइटिस एक कॉमन कारण है जिसमें बच्चे को न्यूनेटल सीजर्स आ सकते हैं, तो आप LP करके ये कंफर्म कर दो कि मेनिनजाइटिस तो नहीं है। मेनिनजाइटिस अगर है तो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। बहुत से यूनिट में अगर समझो सेप्टिक प्रोफाइल अगर निगेटिव नहीं है, सेप्टिक प्रोफाइल अगर पॉजिटिव नहीं है और कल्चर अगर पॉजिटिव नहीं है तो LP नहीं करते, वो आपके यूनिट का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कीजिए। इसके अलावा एक न्यूरोसोनोग्राम कर लेना चाहिए, क्योंकि AF ओपन है तो आप ब्रेन को देख सकते हैं, ब्रेन के सोनोग्राफी से देख सकते हैं अगर ब्रेन के अंदर कोई ब्लीड हो गया है, हाइड्रोसेफेलस है या कोई स्ट्रक्चर ग्रॉसली हमको दिखता है कि एबनॉर्मल है या इंट्रापैरेन्काइमल ब्लीड है, तो ये बहुत सारी चीज़ें न्यूरोसोनोग्राम में पिकअप हो जाती है। हमारे यूनिट में हम बेड साइड सोनोग्राफी कर लेते हैं हर बच्चे का जिसको भी न्यूनेटल सीजर्स है, लेकिन अगर नहीं है तो बच्चे को अगर कहीं पे भेज के करना है तो पहले बच्चे को स्टेबलाइज़ कर ले और हमको लगे कि नहीं अभी ये जा सकता है सोनोग्राफी सेंटर पे, तो उस टाइम पे फिर उसको भेज के हमने करवाना चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो है जिसमें हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम और कोई चीज़ या फिर कुछ ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक डिसऑर्डर सस्पेक्ट करते हैं तो वो हम MRI करते हैं। बहुत से जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन या बन न्यूनेटल पीरियड में MRI एडवाइज़ ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो MRI इतने छोटे बच्चों को रीड करना है उसके लिए आपको स्पेशलाइज पर्सन चाहिए जो न्यूबॉर्न बेबी के MRI रीड कर सके, अदरवाइज़ बहुत से इसमें वो माइलिनेशन ना होने के कारण
उसको जो रीड किया जाता है उसमें बहुत सारे एरर होते हैं। कोई स्पेसिफिक ऐसा पर्सन आपके सिटी में है तो आप उससे उसका रिपोर्टिंग करवा सकते हैं, लेकिन ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए MRI का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है न्यूबॉर्न पीरियड में। हाँ, ऐसा बच्चा जब आपके साथ अपने साथ में फॉलोअप में आएगा 3 महीने में 2.5 महीने में, आप उसका फिर MRI सोच सकते हैं। चौथा फिर हम देखते हैं कि इसके बाकी सेप्टिक प्रोफाइल आपने रूल आउट कर लेने चाहिए कि बच्चे को इन्फेक्शन तो नहीं है, और एक इनबॉर्न एरोब मेटाबॉलिज्म का पैनल आप सोच सकते हैं अगर आप इसको IEM सस्पेक्ट कर रहे हैं। इसमें TMS और GCMS जो हम वो बोलते हैं कि टैंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये आपने भेजना चाहिए, जिसमें बहुत बार 300 के करीब जो डिसीज़ है उसमें से कोई अगर डिसऑर्डर हो तो वो पिकअप हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमको समझना है कि अगर आपका TMS GCMS नॉर्मल आ गया, इसलिए इसका मतलब बच्चे को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है, ऐसा नहीं होता। हो सकता है जो आपके पैनल में है उसके अलावा भी कुछ डिसऑर्डर्स बच्चों में सीजर कॉज कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है EEG। अगर आप न्यूबॉर्न को केयर कर रहे हैं तो आपकी यूनिट में EEG होना चाहिए। जैसा हमने समझा था कि 50% के करीब बच्चों में सीजर्स केवल EEG में पिकअप होते हैं, वो क्लिनिकली कुछ भी नहीं दिखते, ना वो सटल होते हैं, ना उसमें ऑटोनॉमिक चेंजेस आते हैं, और क्लिनिकली देख के आप उनको नहीं बता सकते, बस बच्चा सुस्त होता है और हम सोचते हैं कि यार बच्चा इम्प्रूव नहीं हो रहा। बहुत बार हम बोलते कि इसको HIE बैठा है इसके कारण से ये इम्प्रूव नहीं हो रहा, लेकिन अगर आपने उसका EEG कर लिया और उसमें अगर सीजर दिख गए और आपने उसको अगर कंट्रोल कर लिया तो हो सकता है बच्चे की एक्टिविटी इम्प्रूव हो जाए। और बहुत बार हम सस्पेक्ट नहीं भी करते, जस्ट बच्चा प्रोन उसको रहता है सीजर को, लेकिन EEG नहीं होने के कारण हम उसको डायग्नोस नहीं कर सकते। दूसरा, EEG का फ़ायदा प्रोग्नोस्टिकेशन के लिए भी है। अगर समझो EEG में बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन दिखता है, बैकग्राउंड डिप्रेशन दिखता है, तो उसका फिर प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है। 24 घंटे के अंदर ही बच्चे का EEG खराब हो गया बर्थ एस्पेक्सिया के कारण, तो वो भी प्रोग्नोसिस पुअर की तरफ दिखाता है, और दिखाता है कि पहले सीजर्स थे अभी सेटल हो गए तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा है, 2-3 दिन हो गए फिर भी EEG में कन्वर्जेंस परसिस्टेंट है तो उसका प्रोग्नोसिस खराब है। इसके अलावा कुछ सिंड्रोम्स होते हैं वो भी आप इसमें पिकअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी करके, जो पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी नहीं बोलेंगे हम इसको, पायरिडॉक्सिन रिस्पॉन्सिव सीजर्स होते हैं, तो स्पाइक्स एंड वेव टाइप का पैटर्न एक टिपिकल दिखता है कि हाँ बाबा ये पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी हो सकता है। और जैसे आप उसको IV पायरिडॉक्सिन देते भी EEG रिकॉर्ड कर सकते हैं कि तुरंत उसके जो एबनॉर्मल EEG था वो नॉर्मल हो गया, तो वो डायग्नोसिस वही के वही कन्फर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से भी कुछ डिसीजेस में EEG बहुत ही डायग्नोस्टिक होता है, हर यूनिट में इसको होना चाहिए।